12 श्लोक हो गए, अगला श्लोक देखते हैं। ध्यान पहले इसका उच्चारण कर लेते हैं, अर्थ देख लेते हैं, बाद में थोड़ा सा ध्यान देख लेंगे। 13वां नंबर श्लोक। वक्त्रं कोते सुर नर रघुनेत्र हारी, पढ़ो। निःशेष निर्जित जगत्त्रितयोपमानम्। बिम्बं कलंकमलिनं क्वनिशाकरस्य। यद्वासरे भवति पाण्डुपलाशकल्पम्। वक्त्रं क्वते सुरनरोरग्नेत्रहारी। निःशेष निर्जित जगत्त्रितयोपमानम्। बिम्बं कलंकमलिनं क्वनिशाकरस्य। यद्वासरे भवति पाण्डुपलाशकल्पम्। उच्चारण सरल है वैसे। इतने श्लोक पढ़ने के पश्चात भक्ति करना तो सीख गए होंगे आप लोग। प्रभु की भक्ति कैसी की जाती है आने लगा होगा, नहीं आने लगा? इम्प्लीमेंट कितने लोग कर रहे हैं जो हमने पढ़ा है अभी तक? लगभग 1.5 माह से पढ़ रहे हैं, 40 दिन तो हो गए है ना? 40 दिन हो चुके हैं, ये बहुत लंबी अवधि मानी जाती है। सीखने के लिए नहीं पर्याप्त नहीं होते? जहां तक हम समझते हैं इतना समय तो पर्याप्त होता है, परिवर्तन लाने के लिए तो पर्याप्त हो जाता है, नहीं होता? अपने पुराने तरीके में बदलाव तो लाया ही जा ही सकता है। कितने लोगों ने अपने शैली में बदलाव लाया, भक्ति की शैली में? बस इतने से लोगों ने अपनी शैली में परिवर्तन किया, बाकी लोगों ने क्या किया इतने दिनों में बताना हमें? क्यों डॉक्टर साहब, क्या सीखा है? यदि शैली में परिवर्तन नहीं आ रहा, भक्ति हम सही नहीं कर रहे हैं, तो फिर क्या प्रयोजन क्या है फिर पढ़ने का? इस भक्तामर स्तोत्र को सीखने का उद्देश्य क्या हुआ? सिर्फ सुनना उद्देश्य है, अर्थ समझना उद्देश्य है, क्या उद्देश्य है बताएगा कोई? किस उद्देश्य को लेकर के? क्योंकि शुरुआत इसी से हुई थी, भक्तामर स्तोत्र क्यों पढ़ना चाहिए। पहला जो लेक्चर था, पहली क्लास शायद इसी टॉपिक में ली थी हम। अब वह उद्देश्य यदि पूर्ण नहीं हो रहा है तो टाइम पास तो नहीं चल रहा है। आप लोग दोपहर में उठ करके आते हो, अपनी नींद को छोड़ करके आ रहे हो, नहीं तो बड़ी आराम से सोते रहते हैं, गर्मी भी सहन कर रहे हो, सब झेल भी रहे हो, कष्ट भी सहन कर रहे होते हैं, हो रहा है कि नहीं? आपकी सुविधाएं तो कम हो गई यहाँ आने से, आपकी नींद में खलल पड़ गया होगा, बाधा तो आ गई है नींद में, नींद चली गई होगी। कई लोगों जो दोपहर को विश्राम करते थे, रेस्ट मोड में आ जाते थे, अब एक्टिव मोड में आ गए, तो आपकी जो दिनचर्या थोड़ी तो बदल गई है, दिनचर्या बदल गई है,
लेकिन सीखा क्या, प्रयोजन होना चाहिए। क्रिया नहीं अर्थ क्रिया महत्वपूर्ण होती है। क्या कहा जा रहा है? क्रिया नहीं अर्थ क्रिया महत्वपूर्ण होती है। क्रिया एक्टिविटी जो प्रत्येक व्यक्ति करता है, और अर्थ क्रिया किसे कहते हैं जानते हो? सुना है शब्द अर्थ क्रिया? सुना है शब्द? मुनि श्री सुधा सागर महाराज जी बोलते हैं, हाँ, इस शब्द का प्रयोग मुझवर बहुत करते हैं। क्या होता है अर्थ, अर्थ क्रिया का? आप लोगों ने सुना तो होगा शब्द, कई बार सुना होगा, स्वाध्याय में आया भी होगा। अर्थ क्रिया का अर्थ होता है पर्पस क्या है, प्रयोजन फुलफिल हो रहा है कि नहीं। जैसे घड़ा बनाया जाता है, घड़े की अर्थ क्रिया क्या होती है? जल को धारण करना, अपने भीतर उस जल को संग्रहित करके रखना, और उस जल के माध्यम से लोगों की प्यास बुझ सके, ये उसकी अर्थ क्रिया हो गई। अब भक्तामर स्तोत्र पढ़ना ये क्रिया हो गई, अब उसकी अर्थ क्रिया क्या कहलाएगी? भक्ति में डूब जाना उसकी अर्थ क्रिया हो जाएगी। क्या समझ रहे हो? अब व्यक्ति भक्ति में ही नहीं डूब रहा है, जैसे आपने कोई नियम लिए हैं, नमोकार की माला का नियम लिया हो और आप माला फेर रहे हैं, वो आपकी क्रिया हो गई माला फेरने की, उसकी अर्थ क्रिया क्या? उस उद्देश्य को लेकर के जो आप कहाँ जा रहा है मंत्र, उस योग्य अपने भाव बन रहे हैं कि नहीं। किसी ने रात्रि भोजन त्याग किया है और आप रात्रि भोजन नहीं कर रहे हैं, उसकी अर्थ क्रिया क्या? क्या अर्थ क्रिया रात्रि भोजन त्याग की? अहिंसा धर्म का पालन करना, जो आवश्यक है उनका पालन करना, इसकी आवश्यक है। आप पूजन करते हैं, पूजा की अर्थ क्रिया क्या? प्रतिदिन जाकर के मंदिर में पूजा करते, उसकी अर्थ क्रिया क्या होती है? आत्मा को पवित्र करना, मन को पवित्र करना, ये अर्थ क्रिया हो गई। हो रही है नहीं हो रही? पूजा की अर्थ क्रिया हो रही है नहीं हो रही? जाप की अर्थ क्रिया हो रही है नहीं हो रही? स्वाध्याय की अर्थ क्रिया क्या है? स्वाध्याय की अर्थ क्रिया जो पढ़ा जा रहा है, पापों का त्याग होना चाहिए, पुण्य की क्रियाओं को अपनाना चाहिए, अशुभ से निवृत्ति, शुभ में प्रवृत्ति होना चाहिए, ये स्वाध्याय की अर्थ क्रिया है। जो भी धार्मिक कार्य किए जा रहे हैं वो सब क्रिया कहलाती हैं, और उसका जो उद्देश्य है वो अर्थ क्रिया कहलाती है। तो भक्तामर स्तोत्र की अर्थ क्रिया क्या हुई? भक्ति में तल्लीन हो जाना, प्रभु के गुणों में पूर्णतया डूब जाना, प्रभु में अपने आप को बना लेना, अपने भीतर उस परिणाम को, गुणों के परिणाम को पैदा करना, भाव उस प्रकार के लेकर के आना। क्या आ रहा है आप लोगों के भीतर? कौन से भाव आते हैं? अनादिकाल से क्या होते आ रहा है? हम सिर्फ क्रियाएं कर रहे हैं, अर्थ क्रिया को हमने छोड़ दिया। अर्थ क्रिया क्रिया की भी होती है, अर्थ क्रिया अर्थ की भी होती है। उस वस्तु अर्थ मतलब पदार्थ, सब्सटेंस, उस द्रव्य,
उस वस्तु की भी अर्थ क्रिया, घड़ा है वो द्रव्य हो गया, उसकी अर्थ क्रिया जल को स्टोर करना। आप जीव हो, जीव हो ना, जीव द्रव्य हो, आपका एग्जिस्टेंस है, तो आपकी अर्थ क्रिया क्या? जीव हो ना सभी लोग, तो आपकी अर्थ क्रिया क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए बताओ? अपने आप को जानने देखने तक सीमित रखें, ना ही राग करें ना ही द्वेष करें। कषायों से ऊपर उठकर के साम्य भाव में स्थिर रहते हुए ज्ञाता दृष्टा भाव लाते रहे, जानते और देखते रहे, ये जीव की अर्थ क्रिया। बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं। और संसारिक दशा में है तो परस्परोपग्रहो जीवानाम, एक दूसरे का उपकार करें, एक दूसरे की सेवा करें, एक दूसरे की सहायता करें, एक दूसरे को आगे बढ़ाएं। कथंचित यह भी जीव की अर्थक्रिया। अर्थक्रिया समझना सीखो। जो व्यक्ति अर्थक्रिया को पकड़ना सीख लेता है वह कभी भटकेगा नहीं, कभी भटक ही नहीं सकता। वह जो भी छोटी भी क्रिया करेगा धर्म को लेकर के, छोटा सा भी नियम लेगा धर्म को लेकर के, वह छोटा सा नियम उसके लिए बड़ा कल्याणकारी साबित हो जाएगा। और अर्थ क्रिया समझे बगैर बड़े बड़े कार्य भी चल रहे हैं, बड़े बड़े नियम, बड़े बड़े व्रत उपवास, बड़ी बड़ी साधनाएं, वो कोई कार्यकारी नहीं। तो मुख्य जो होती है क्रिया नहीं, अर्थ क्रिया होती है। अनादिकाल से सब क्रियाएं ही चलती हुई आई हैं, अर्थक्रिया की ओर दृष्टि गई ही नहीं, और उसी के अभाव में परेशान रहते हैं, भटकते आए हैं, दुखी रहे। सोचोगे कि नहीं सोचोगे? क्या सोचोगे? अर्थक्रिया के बारे में सोचना, यानी इसका मीनिंग हो सीधे सरल शब्दों में, उसका प्रयोजन क्या है, पर्पस क्या है, उद्देश्य क्या है करने का, क्यों किया जा रहा है ये कार्य। अब जिसके मन में भाव पैदा हो गया फिर वह चिंतन करेगा, कार्य करने के पश्चात मैं जो कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ, सही तरीके से कर रहा हूँ अथवा नहीं कर रहा हूँ, गलत पर्पस को लेकर के तो नहीं कर रहा हूँ। अपने आप उसके भीतर प्रश्न खड़े होते चले जाएंगे, और यदि वो गलत कर रहा है तो तुरंत उसमें ब्रेक लग जाएगा। गलत दिशा की ओर बढ़ रहा है तो भी ब्रेक लग जाएगा, गलत उद्देश्य को लेकर के कर रहा है तो भी उसमें ब्रेक लग जाएगा। और जो यह नहीं सोचता है वो सिर्फ करते चला जाता है, चला जाता है, एट द एंड ऑफ डे और एट द एंड ऑफ लाइफ कोई रिजल्ट निकल करके नहीं आता, रिजल्ट नहीं आता, परिणाम नहीं मिलता, क्योंकि सोचा ही नहीं गया, अभी तक सिर्फ ऐसा ही चलता आया। प्राय सबके साथ ऐसे ही चलते आया कि नहीं? तो बदलोगे अपने आप को? नहीं बदलोगे। क्या परिवर्तन लाओगे? जो भी आप कर रहे हैं, छोटी क्रियाएं, बड़ी क्रियाएं, जो भी नियम, व्रत, संकल्प, पूजन है, विधान है, व्रत है, उपवास है, एकाशन है, दान है, सामायिक है, मौन है, वैयावृत्ति है, तप है, उनोदर है, उपवास, जो भी कर रहे हो, अर्थ क्रिया पकड़ो। पहले दान की अर्थ क्रिया क्या होगी? आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए? आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए? तो हमारा परिग्रह कम हो रहा है, मान के चलो आपका परिग्रह कम हो रहा है, भार कम हो रहा है, लोड था बहुत ज्यादा,
चलो लोड कम हो गया ऐसा, ये तो दिख रहा है कि कम हो रहा है, लेकिन अर्थ क्रिया तो दान की ये नहीं है। दान देने के बाद कम हो गया, लेकिन उसका उद्देश्य क्या? अच्छे कार्य में लगाना धन का, पर का कल्याण करना। दान की क्रिया का अर्थ की अर्थ क्रिया ये है, जो द्रव्य अर्जित किया है, धन जोड़ा है, परिग्रह जोड़ा है, उसके जोड़ने में ढेर सारा पाप कमाया है, ढेर सारा पाप, खूब पाप एकत्रित किया है। अब उस पाप को हम धो रहे हैं, पाप को जो बन चुका है उस पाप को कम किया जा रहा है, यानी उसके माध्यम से। पर का कल्याण करना अर्थ क्रिया नहीं है, अपने ही पापों को कम करना, अपने ही भीतर की विशुद्धि को बढ़ाना। परस्पर उपग्रह, ये जीव का लक्षण, उपकार कर रहे हैं, आप उसकी सेवा कर रहे हो, उसके लिए दान दे रहे हो, उसका स्थितिकरण कर रहे हो, तो अपने सम्यक दर्शन को पुष्ट कर रहे हो। सम्यक दर्शन के एक अंग स्थितिकरण है ना, वात्सल्य अंग है, आपके भीतर उसके माध्यम से वात्सल्य बढ़ रहा है, तो आपने सम्यक दर्शन को ही तो पुष्ट किया। क्या किया आपने? जहां आवश्यकता थी वहां दान दिया। दान देना श्रावक का आवश्यक, जिससे आपके आवश्यक पल रहे हैं, तो अपने ही धर्म को तो पुष्ट किया जा रहा है, नहीं किया जा रहा? यानी उस क्रिया के माध्यम से आत्मा विशुद्ध हो रही है, सम्यक दर्शन पुष्ट हो रहा है, जो आवश्यक है उनका पालन अच्छे से हो रहा है। यदि आपको, आप गाय को खिला रहे हो, तो गाय का पेट नहीं भर रहे हो, आपके दान रूपी आवश्यक का पालन वो गाय आपसे करवा रही है, करवा रही है कि नहीं? आपने मंदिर में दान दिया, तो मंदिर के ऊपर उपकार नहीं किया, आपने जो पाप कमाया था उस पाप को कम किया, यही होगा। दान का की अर्थ क्रिया ये नहीं कि नेम प्लेट लग जाए बहुत बड़ी, मेरा नाम हो जाए बहुत बड़ा, ये तो अर्थ क्रिया है नहीं। तो जो भी एक्टिविटी हो रही है, हर एक्टिविटी की अर्थ क्रिया स्वयं सोचेंगे तो अपने आप निकलता चला जाएगा, उसका उत्तर आता चला जाएगा। अब सोचेंगे ही नहीं तो कुछ भी नजर नहीं आएगा, और आज तक सोचा ही नहीं है, सोचा आज तक विचार ही नहीं किया है। छोटा से छोटा भी कार्य हो तो सोचे, मैंने जो किया, भले आपने एक रुपये गुल्लक में डाला, उसका की अर्थ क्रिया क्या निकल कर के आई? भले एक मुट्ठी चावल आपने चढ़ाया, उसकी अर्थ क्रिया क्या निकल कर के आई? भले ही एक ग्रास आपने अंजलि में दान दिया, आहार दान दिया, उसकी अर्थ क्रिया क्या निकल करके आई? एक कायोत्सर्ग किया, उसकी अर्थ क्रिया क्या आई? एक बार नमोस्तु किया गुरु को, प्रभु को नमस्कार किया, उसकी अर्थ क्रिया क्या आई? एक सेकंड के लिए भी चल रहा है, एक जाप फिर रहे हैं, कुछ भी कर, एक सामायिक कर रहे हैं, उसकी अर्थ क्रिया क्या आई? हाँ, जे भाव कभी आए नहीं? अच्छा, अर्थ क्रिया शब्द नहीं आया होगा, लेकिन प्रयोजन तो आया होगा, उद्देश्य क्या है? हाँ, जब हम ऐसा सोचेंगे तो हमारी गलतियां अपने आप कम होते चले जाएगी। जो फॉर्मल रूप में होने लगा था, यानी औपचारिक रूप में होने लगा था, एक रूटीन के रूप में होने लगा था, उस रूटीन में ब्रेक लग जाएगा। अभी तक क्या होता है, भक्ता मर पड़ा जाता है, सबके रूटीन में समाहित हो गया, रूटीन में आ गया ना, सबकी आदत में बैठ गया है, प्रतिदिन भक्तामर स्तोत्र पढ़ना है। और जो क्रिया हमारी रूटीन में आ जाती है, हम उसकी अर्थ क्रिया भूल जाते हैं। सीधा सा नियम है, क्योंकि उस ओर हमारा उपयोग जाता ही नहीं, उस ओर हमारा ध्यान जाता है, विचार ही पैदा नहीं होता।
क्या समझ में आ रहा है? सोचोगे? अब और भी कुछ समझना है इसमें अर्थक्रिया के बारे में? बताओ क्या समझ। सवेरे से लेकर शाम तक जो भी आप कार्य कर रहे हो, चलो सांसारिक भी कार्य कर रहे हो, अभी हम धर्म की बात नहीं कर रहे हैं, सांसारिक कार्य करते हुए भी सोचना तो सही अर्थक्रिया है कि नहीं? सही। तो आपके घर गृहस्थी के कार्य भी बहुत अच्छे से हो जाएंगे, मात्र धर्म ही नहीं उस क्षेत्र में भी बहुत अच्छी सफलता मिलेगी आपको, एक संतुष्टि मिलेगी, एक सेटिस्फेक्शन अंदर से मिलेगा कि नहीं? जिस उद्देश्य को, जिस अर्थक्रिया को लेकर के किया जा रहा था, किया जाना था, मैं कर रहा हूं अथवा कर रहे हूं, एक संतुष्टि, हाँ बहुत अच्छा लग रहा है, एक आनंद का भाव भीतर से पैदा होगा, वो कार्य आपको फिर बोरियत नहीं देगा, वो कार्य आपको कार्य करने के पश्चात भी थकान नहीं देगा। होता है ना, जब व्यक्ति कोई कार्य कर लेता है तो थक जाता है, मेहनत करने के पश्चात शरीर से भले ही थक जाएंगे लेकिन मन से ये थकान नहीं देगा। हम ये कहना चाह रहे हैं, शारीरिक श्रम होगा तो थकान तो होगी लेकिन मानसिक थकान उसे बिल्कुल नहीं होगी, बल्कि उसके भीतर एक एनर्जी का संचार होगा, ऊर्जा भीतर से पैदा होगी, क्योंकि वो ऊर्जा वो सेटिस्फेक्शन लेवल से पैदा होती है। हम जो कर रहे हैं एक संतुष्टि भरा है, हम औपचारिक नहीं कर रहे हैं, ऐसी वैसी ऊपर ऊपर टाल नहीं रहे हैं। होता ना बहुत सारी क्रियाएं में टालम टोल किया जाता है, जैसे निपटाया जाता है, अंदर से चार्म होता नहीं, अब करना तो है, इसके बगैर रह नहीं सकते। अब बहू जैसे निपटाती ना घर के काम, सासू माँ बोल रही तो निपटाओ भाई, क्या कर रहे हैं, मना कर नहीं सकते हैं, तो फिर क्या है, निपटाती हैं, वो निपटाती हो ना, नहीं अंदर से आनंद आता करने में, आनंद नहीं आता। अब वो बोल रही डांटी, डांट पड़ेगी, इसे निपटा ही दो, बोले करेंगी भी लेकिन निपटाएंगी, वो ऐसी है ना, गलत तो नहीं कर रहे, यानी मेहनत भी पूरी चल रही है और आनंद भी नहीं आ रहा है, और एक उत्साह भी नहीं, एक संतुष्टि का भाव भी पैदा नहीं होता। और जब हम निपटाने से ऊपर उठ करके करते हैं तो एक आनंद की लहर पैदा होगी, जैसे किसी को खिला करके माँ को आनंद होता है, आनंद आता है ना, पेट बच्चे का भरता है, आनंद उसका बढ़ता है, क्यों उसको आनंद आता, उसने निपटाया नहीं है। अब जो माँ निपटा देती है उसकी बात अलग है, जो पत्नी निपटा देती पति के लिए उनकी बात अलग है, कई पत्नियां निपटाती भी होंगी, क्या है 11 बज गए रात के, 10 बज गए, ये तो निपटाना पड़ता है, हाँ सही टाइम से कोई नहीं आता तो निपटाना पड़ता है, होता है ना। लेकिन जो अर्थक्रिया को पकड़ के करेंगे तो उन्हें एक सेटिस्फेक्शन मिलेगा कि नहीं, हमने अपने कर्तव्य का पालन किया, अपनी ड्यूटी को परफॉर्म किया अच्छे से। इस बात को समझे, छोटी चीज नहीं, बहुत बड़ी चीज है, बहुत अच्छी चीज है, बहुत गहरी चीज है। तो हम क्रिया के साथ साथ अर्थ क्रिया को पकड़ने की कोशिश करें। हाँ क्या पूछना चाहना माँ जी, कायोत्सर्ग की अर्थ क्रिया क्या होगी? कायोत्सर्ग की अर्थ क्रिया क्या, आज क्वेश्चन आंसर कर लें क्या? कायोत्सर्ग की अर्थ क्रिया क्या, कायोत्सर्ग की अर्थ क्रिया समझने के पहले कायोत्सर्ग क्या होता है पहले वो समझो। प्रवचन के बाद जिनवाणी स्तुति करते हैं, फिर बोलते हैं सभी लोग कायोत्सर्ग करेंगे, क्या पढ़ते हैं सब लोग, नौ वर्णमो कर मंत्र पढ़ते हैं, ये होता है कि नहीं होता, क्या होता है, आप लोग क्या करते हैं, डॉक्टर साहब क्या पढ़ते हो, नौ वर्णमो कर मंत्र पढ़ते हैं, एक मिनट, कायोत्सर्ग का मतलब नौ बार नमोकार मंत्र नहीं होता है, कायोत्सर्ग का अर्थ होता है काय के प्रति उत्सर्ग का भाव आ जाए, उत्सर्ग का अर्थ होता है त्याग, यानी उतनी देर के लिए हम शरीर को छोड़ दें, शरीर को त्याग दें। अब कैसे पॉसिबल है, शरीर को छोड़ा जा सकता है, यदि शरीर छूट गया तो व्यक्ति तो मरण को प्राप्त हो जाएगा, मर ही जाएगा, लेकिन हम कहा जा रहे हैं उतनी देर के लिए काय का उत्सर्ग कर दे, काय को त्याग दे,
यानी काय को त्यागने से अभिप्राय काय के प्रति जो बहुत ज्यादा अटैचमेंट है, जो लगाव है, थोड़ी देर के लिए ही सही वह उस लगाव को छोड़ दे। थोड़ी देर कितनी, तो कुछ भी हो सकता है। फिर उसके लिए रख दिया गया कि 27 श्वासोच्छ्वास। कायोत्सर्ग में कहीं नमोकार मंत्र नहीं आता है, कायोत्सर्ग में आता है इतने श्वासोच्छ्वास प्रमाण काय के प्रति जो आसक्ति है उसे हम ममत्व है उसे हम छोड़ दे त्याग दे। तो आचार्य भगवान ने क्या लिखा है, जितना टाइम 27 श्वासोच्छ्वास में लगता है उतने टाइम तक हम उस ममत को छोड़ दें। तो होना क्या चाहिए, 27 श्वासोच्छ्वास की काउंटिंग होना चाहिए एक कायोत्सर्ग में 27 टाइम्स, यानी श्वास जा रही है और श्वास आ रही है ये काउंटिंग हो गई। ऐसे कितनी, 27 टाइम्स ये होना चाहिए। अब श्रावक बेचारा उसको तो पता ही नहीं चलता श्वास क्या है, वो गिनती कहाँ से करेगा। तो जिसका अभ्यास नहीं होता है, प्रैक्टिस नहीं होती है, फिर उसके लिए कह दिया जाता है ठीक है भैया आपका मन इधर उधर दौड़ेगा भटकेगा, तो नमोकार मंत्र से उसे बांध दिया है। एक नमोकार मंत्र में 3 श्वासोच्छ्वास हो जाती है। श्वास अंदर लेते समय नमो अरिहंताड़म, श्वास छूटते समय नमो सिद्धाड़म, पुनः अंदर लेते समय नमो आयरियाड़म, बाहर आते समय नमो वज्जायाड़म, अंदर जाते समय नमो लोए, बाहर आते समय सर्वसाहूढ़म। तो कितने बार हो गया, 3 बार। तो एक नमोकार मंत्र 3 श्वासोच्छ्वास में पूरा हो जाता है। तो 27 श्वासोच्छ्वास में कितने बार हो जाएंगे, 9 बार। इसलिए कहा है कि 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ लो तो आप कुछ पढ़ तो लोगे। फिर आचार्य भगवान कहते हैं यदि 27 श्वासोच्छ्वास कहें तो आपका मन भटक जाएगा, लगेगा ही नहीं। तो श्रावक के लिए ठीक है, क्षम्य हो जाता है कि 9 बार नमोकार मंत्र से उसे बांध दो। पर होना क्या चाहिए, मूल रूप से 27 श्वासोच्छ्वास तक काय के प्रति ममत का भाव। अब उसे ऐसे समझना, नमोकार मंत्र में श्वासोच्छ्वास नहीं बैठाना है, श्वासोच्छ्वास में नमोकार मंत्र बैठाना है। क्या कहा हमने, अंतर समझ में आया, नमोकार मंत्र में श्वासोच्छ्वास नहीं बैठाना है, श्वासोच्छ्वास में नमोकार मंत्र बैठाना है। क्या मतलब हुआ, अंतर क्या हुआ दोनों में। सभी लोग क्या करते हैं, नमो अरिहंताड़म, अब नमो सिद्धाड़म, अरिहंताड़म में हाँ श्वास ले ली, अब श्वास छोड़ दी, यानी उसकी सहजता गायब हो गई। श्वासोच्छ्वास में नमोकार मंत्र बैठाना है, नहीं जो नेचुरल प्रोसेस है श्वासोच्छ्वास की उसमें न तो हीनता आए ना ही अधिकता आए, ना ही बहुत तेजी से हो ना ही बहुत धीमी गति से हो, जो नेचुरल स्टेज में हम लेते हैं सहजता से जो लेते हैं, तो पता चलता है कि श्वास ले रहे हैं कि श्वास छोड़ रहे हैं, पता चलता है नहीं पता चलता ना। अब उस सहज स्टेज में हम नमोकार मंत्र को फीड करें, जैसी सहजता से श्वास अपने आप जा रही है उसी में नमो अरिहंताड़म में बैठा है, और श्वास आ रही है तो नमो सिद्धाड़म। टाइम लगेगा, प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा लगेगी तब कहीं बैठ पाएगा, लेकिन इसका सबसे बड़ा लाभ होता है जो कायोत्सर्ग करना सीख जाता है, यानी श्वासोच्छ्वास में जो नमोकार मंत्र बैठा लेता है, अंतिम समय में जब संलेखना का काल आता है सबसे अच्छे उसके परिणाम बने रहते हैं। क्यों श्वासोच्छ्वास में नमोकार मंत्र को बैठाने के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि अंतिम स्टेज में हमारे हाथ पैर नहीं चलते हैं, उंगलियां नहीं हिलती हैं, आंखें तक नहीं खुलती हैं, उसमें बहुत एनर्जी लगती, ताकत लगती खुलने के लिए। लेकिन श्वासोच्छ्वास उस समय बंद नहीं होती, हम सो रहे हैं, बैठे हैं, लेटे हैं, चल रहे हैं, कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं, तो श्वासोच्छ्वास से रहित हो ही नहीं सकते।
तो श्वासोच्छ्वास हमारे शरीर का एक अंग, कंपल्सरीली होने वाली एक्टिविटी है। अब यदि हम कहें कि नमोकार मंत्र की माला जाप जो है मोतियों की माला से करें, तो अंतिम समय में उंगली नहीं चलती कि माला में फिर जाए, नमो रिंत्रण नमो से दरा, इतनी ताकत ही नहीं रहती है। क्या होता है, बोल ही नहीं पाता है, तो बोलने की भी शक्ति नहीं है, उंगलियां चलाने की शक्ति नहीं है, आँख खोलने की शक्ति नहीं है, वह तो एकदम लेटा रहता है। यानी जिसका ये अभ्यास हो जाता है, इवन यदि वो कोमा में भी चला जाए, तो जिसकी श्वासोच्छ्वास में वो बैठ जाता है, तो सबकॉन्सियस माइंड में रहते हुए भी वो नमोकार मंत्र अपने आप चलने लगता है। सबसे बड़ा बेनिफिट बता रहे हैं, हम चल रहे हैं और अपने आप ही अब हमारी श्वास में बैठ चुका है, तो श्वासोश्वास में नमोकार मंत्र होते रह रहा है। एक होता है बुद्धिपूर्वक नमोकार मंत्र, और उस स्टेज में वो अबुद्धिपूर्वक नमोकार मंत्र। तो जिसके अबुद्धिपूर्वक नमोकार मंत्र हो जाए, तो वो बहुत बड़ा साधक माना जाता है। अब वो नमोकार मंत्र से रहित होगा ही नहीं, सोते जागते भी उसका नमोकार मंत्र चल रहा है। इवन भले ही वो भोजन कर रहा है, पर इतनी ज्यादा प्रैक्टिस हो गई है कि वो नमोकार मंत्र से रहित हो ही नहीं सकता। बहुत बड़ा लाभ है, कभी छूटेगा ही नहीं नमोकार मंत्र उसका, इतना ज्यादा वो गहरा अभ्यस्त हो जाता है। लेकिन नमोकार मंत्र में श्वासोच्छ्वास नहीं बैठाना है, नमोकार मंत्र में श्वासोच्छ्वास बैठेंगे तो आर्टिफिशियल श्वासोच्छ्वास हो जाएगी, एक्सहेलिंग इनहेलिंग आर्टिफिशियल हो गई, बहुत तेजी से लेगा वो, नमोरियंताड़म सहजता गायब। जो नेचुरल प्रोसेस है उसमें सहजता रहती है, हम इंटेंशनली किया तो गायब हो गई, वो कैसर नहीं कहला रहा है। कैसर क्या, सहजता हमारी मेंटेन रहे और उस सहज भाव में नमोकार मंत्र बैठ जाए। कठिन चीज है, इट रिक्वायर्स लॉट ऑफ प्रैक्टिस। बहुत प्रैक्टिस होने के पश्चात यह स्थिति आ पाती है, अदरवाइज यह स्थिति नहीं आती है। तो व्यक्ति जो अभ्यास करेगा तब संभव हो पाएगा। इसके लिए इसलिए मुनिराजों के लिए कहा है कि दिन में कम से कम 28 श्वासोच्छ्वास, 28 कायसर तो करें, नहीं 28 बार कायसर की प्रैक्टिस हो, तो एक बार में 9 नमोकार मंत्र तथा 27 श्वासोच्छ्वास हो जाती है। तो इससे उनका अटैचमेंट, राग जो शरीर के प्रति होता है, वो धीरे धीरे अपने आप छूटने लगता है। फिर उस समय जब कायोत्सर्ग चल रहा है, तो शरीर पे कोई कीटाणु बैठे हैं, मच्छर बैठे हैं, कोई जीव बैठ रहे हैं, तो भी उस उनका ध्यान ही नहीं जाता है। भले ही वो काट रहा है तो भी उसे फर्क ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसने संकल्प लिया कि इतनी देर तक तो मैं काय के प्रति कोई भाव लाऊंगा ही नहीं, कुछ सोचूंगा ही नहीं। तो ये कहलाता है कायोत्सर्ग। तो कायोत्सर्ग की अर्थ क्रिया क्या हुई, अटैचमेंट को छोड़ना, ममत्व को तोड़ना शरीर के प्रति, क्योंकि सबसे ज्यादा महत्व ममत्व होता है बॉडी का, शरीर का, उससे बहुत बड़ा ममत्व होता है। तो उस राग को तोड़ने की एक प्रक्रिया है कायोत्सर्ग की, और जो कायोत्सर्ग अच्छे से करने लगता है, फिर उसका ध्यान भी बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि कायोत्सर्ग के पश्चात ध्यान रूपी तप आता है, प्रायश्चित विनय वैयावृत स्वाध्याय वित्सर्ग और ध्यान। कायोत्सर्ग तो ऐसे बहिरंग तप में आता है, अनशन अनुदर वृत्ति काय क्लेश। तो इसमें जो विसर्ग होता है ना, वो राग का भाव का त्याग, वो अटैचमेंट का भाव का त्याग, वो उस अल्टीमेट स्टेज में ले जाने पर, फिर उसके बाद वो ध्यान में बहुत अच्छे से प्रवेश कर जाते हैं। इन्हें ध्यान में प्रवेश करने के लिए कायोत्सर्ग इज अ मस्ट। बिना कायोत्सर्ग के ध्यान हो ही नहीं सकता। उत्कृष्ट ध्यान की बात कर रहे हैं, जो ध्यान श्रावक करते हैं वो पदस्थ ध्यान, उसमें तो आलम्बन लिया जा रहा है, मंत्र का उच्चारण किया जा रहा है, वो तो बहुत लोअर कैटेगरी वाला ध्यान है, औपचारिक ध्यान कहा जाता है, उपचार से कहा जाता है। लेकिन जब
उस बेस्ट क्वालिटी वाली ध्यान की बात की जाती है जिससे साक्षात केवल ज्ञान प्राप्त हो जाता है, सिद्धियां आदि हो जाती है, उस ध्यान की जो बात की जाती है उसमें तो यही प्रक्रिया अपनाई जाती है, करने रूप नहीं होने रूप, डूइंग से बीइंग तक की। दो वर्ब होते हैं, एक होता है डूइंग और एक होता है बीइंग। डूइंग में किया जा रहा है, कार्य कर रहा है, डूअर इज डूइंग, करने वाला जो करता है वो कर रहा है, कार्य कर रहा है, लेकिन कायस्थ में किया नहीं जाता है, वहाँ होने वाली स्टेज है। करोति से अस्थि क्रिया जो पहुँचने वाली होती है, संस्कृत में करोति क्रिया होती है और उसके बाद होता है अस्थि, मीन्स एग्जिस्टेंस, होना। तो डूइंग करोति मीन्स डूइंग और बीइंग का अर्थ होता है अस्तित्व, अस्थिवाची है, एग्जिस्टेंस, नेचुरल स्टेज में होना। तो कायस्थ में हुआ जाता है और जहाँ बीइंग की एक्टिविटी हो जाती है वहाँ कभी थकान नहीं होता है, होती है, वहाँ सिर्फ आनंद होता है। एक अल्टीमेट स्टेज आ जाती है, आनंद की अवस्था आ जाती है, वहाँ पूर्ण रूप से जीव की अर्थक्रिया घटित होती है, ज्ञाता दृष्टा रूप। चूंकि उन्होंने क्वेश्चन कर लिया तो इसी विषय को थोड़ा समझा देते हैं आज। वहां जीव की अर्थक्रिया होती है, जीव की अर्थक्रिया क्या, ज्ञान दर्शन जो लक्षण है, जानना और देखना, जुड़ना नहीं, मुड़ना नहीं, चिपकना नहीं, संकल्प नहीं, विकल्प नहीं, रुकना नहीं, सिर्फ होने रूप। होने रूप मीन्स जो सहज बहाव होता है नदी का, रुकना नहीं होता उसमें, और तेजी भी नहीं और मंद गति भी नहीं, कहीं थमना भी नहीं, सहजता से जो पानी का बहाव चल रहा है, बस उस अवस्था का नाम है उस कायोत्सर, होता चला जाए, बस सब कुछ सहजता से होता चले। थकान कब होती है, जब हम करने का भाव लाते हैं, मन से भी करने का भाव लाते हैं, वचन से भी करने का भाव लाते हैं और काय से भी करने का भाव लाते हैं, तो वहाँ शारीरिक थकान होगी, वाचनिक थकान होगी और मानसिक थकान होगी।